मैंने पता लगा लिया सेरा भाई, आप पे हमला हमारे किसी दुश्मन ने ना किया। जिसने आप पर हमला किया उसने बड़ी चालाकी से डिलीवरी वाले को बेहोश करके उसके कपड़े पहन के आया था। ये हमला किसी और ने किया है सेरा भाई। जो भी सहटामी, मैंने इतना पता से कि इस आदमी ने घर की इंफॉर्मेशन है। इस घर के बारे में इस आदमी ने सब पता से। ये लो, काम अच्छे से किया है ना? नहीं, वो गोदावरी जिस ऑफिस में काम करती है वहां रेड पड़ेगी ना, अगर नहीं पड़ी और वो बच गई ना, तुम बच नहीं पाओगे, ये याद रखना। मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गोदावरी बुरी तरह से फंस चुकी है, रेड होने के बाद उसका बचना नामुमकिन है। हसलिए, इस गोदावरी ने कल्याणी और शेरा के साथ मिलकर बहुत परेशान किया है मुझे। अब मैं इसे बताऊंगी कि बदला लेना क्या होता है। ऐसा हाल करूंगी ना मैं इसका कि अगली बार मुझसे पंगा लेने में 10 बार सोचेगी। जाओ, काम हो जाना चाहिए। कौन था ये आदमी और किस बात के पैसे लेकर गया तुमसे? आओ साहब, वो आदमी मेरे लिए काम करता है तो अपनी पेमेंट लेने आया था, वही पैसे दिए मैंने उसे। कैसा काम? एक मिनट, मैं आपको क्यों बताऊं कैसा काम, कि वो कौन सा काम करता है? मैं जरूरत नहीं समझती। हम जानते हैं अवनी, तुम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? आपसे मैं आपसे डरती थोड़ी ना हूं। तुम क्यों डरोगी? डर तो अब हमें लगने लगा है। पता नहीं हमसे जो तुमने वादा किया था वो पूरा कर पाओगी या नहीं। आहो साहब, आप क्यों इतना मेलोड्रामा कर रही हैं? मैंने आपसे वादा किया है ना कि विवेक भाव को छुड़ाऊंगी, तो ऑफ कोर्स छुड़ा लूंगी। इसके अलावा उस कल्याणी और पलटन को भी मैं ही सबक सिखाऊंगी, देख लेना। गोदावरी के खिलाफ तो कोई साजिश नहीं रच रही हो ना? उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। बड़ा खुलासा, औरंगाबाद में फ्रेंडशिप हॉटलाइन चलाने वालों का रैकेट पकड़ा जा चुका है। इस ऑफिस में काम करने वाली कुछ लड़कियां ग्राहकों के साथ अश्लील बातें करके उन्हें फोन में उलझाए रखने का काम करती थी, और इस रैकेट के लिए काम करने वाली कुछ लड़कियां पकड़ी जा चुकी है और बाकी लड़कियों की तलाश जारी है। परमेश्वरा, ये क्या हो क्या गया आजकल की लड़कियों को? अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से घर की लड़कियां ऐसा काम करती है। हे भगवान, हाँ ये बात भी सही है कि हमारे घर जैसे संस्कार हर घर की लड़कियों को नहीं मिलते हैं। अच्छा तुम ये खाना खा लो, आज दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था तुमने, लो। पुलिस मुझे ढूंढते हुए घर आ गई तो? गोदावरी देशमुख, मैं इंस्पेक्टर नायक बोल रहा हूँ। मुझे माफ कर देना कल्याणी ताई, आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि उस ऑफिस में ऐसे काम होते हैं। मैं एक दिन काम पर गई थी, उसके बाद मैंने उस ऑफिस का चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के वजह से वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इससे पहले कि मेरी वजह से परिवार का नाम बदनाम हो अपनी जान दे रही हूँ।
क्या हुआ? अरे चलो चलो, भूल गए क्या कि एक हाथ से बैटिंग करके मुझे हराने वाले हो ना? अरे बॉस क्रिकेट खेलना से है, तू चढ़, एक ही हाथ से छक्का लगाऊंगा, जा। फोन किधर गया? शेरा क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मीना कुमारी भाई, काका का फोन रखा से यहाँ पे, लेकिन पता ना कितना गया फोन। सार्थक का? सार्थक का फोन यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो मेरे पास है। मैंने खुद अपनी आंखों से फोन देखा से यहाँ पे। लगता है शेरा रात को तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं ना? हो सकते हैं। चलो ना हीरो शेरा, मैंने स्टंप भी लगा दिया है। अरे आ रहा हूँ, मोस्क बुला रहे हैं मैंने। बड़ा मोस्क, पहली बॉल पे छक्का, वो भी एक हाथ से, आजा देख। आजा लग रहा है, जूता उस आदमी का है जिसने हमारे पे हमला किया से। अरे ये जूता कहां से मिला तुम्हें? ये तो सार्थक का जूता है, कल रात से ढूंढ रही हूं मैं। के करन लग रहे हो मैडम जी? आपको कंफर्म से कि ये जूता काका का है, तो इसका मतलब तो जय हुआ ना जी, जिस आदमी ने हमारे पे हमला किया है वो काका से। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? जो आदमी चल फिर नहीं सकता, अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता, वो तुम पर हमला करेगा? अरे चेहरा, उठो शातिर कक्का। क्या हो? क्या है ये? शेरा ये क्या कर रहे हो तुम? तुम काका पर इल्जाम लगा रहे हो कि काका ने तुम पर हमला किया। अरे काका क्यों करेंगे तुम पे हमला? काका की हालत देख रहे हो तुम? काका ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? मन्ने जूता उसी जगह से मिला से है जहाँ पे हमारे पे हमला हुआ था। ये जूता काका का है, क्या कर रहा था जूता वहाँ पे? अरे कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे एक मोबाइल देखा था, काका बिस्तर पे लेटे थे, मैं मोह से बात करने लगा तो मोबाइल गायब हो गया। किसने उठाया? जवाब दे दो काका, के बात से? कुछ तो है कल्याणी जी जो काका के बारे में किसी को पता ना है। देखो शेरा, तुमने कल्याणी और मोक्ष के लिए जो भी किया ना, वो एहसान मुझ पर हमेशा रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सार्थक पर कोई भी इल्जाम लगाओ। मैडम जी, ये जूता काका का है। ये जूता बार किस तरीके पहुंचा अगर काका चल ना सके हैं तो? नीचे। नीचे?
मतलब सार्थक के जूते बेड के नीचे थे और शायद मैं बेड के नीचे देखना भूल गई इसलिए बाहर ढूंढ रही थी। देखा? आई रिलैक्स। काका काका प्लीज शेरा की बात का बुरा मत मानना। मैं शेरा की तरफ से माफी मांगती हूँ काका, सॉरी। शेरा तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। सॉरी हाँ, सॉरी। सॉरी काका। शेरा कल्याण जी, देखो हो सके कि इस बार मैं गलत हूँ, लेकिन हमारी आंखों के सामने मोबाइल पर्स पे से गायब हुआ सर। शेरा एक बात याद रखना, मैं कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, कोई भी दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी आई के आंख में आंसू, मेरी आई के आंखों में आंसू मैं कभी नहीं देख सकती। तो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से मेरी आई को तकलीफ पहुंचे। ये शेरा मैंने कहा था ना तुमसे कि ये मिनी फ्रैक्चर है, इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ते हैं। मैंने तुम्हें वो सपोर्टर दिया था ना, कहाँ है वो? चलो तुम चलो। बोल टॉमी। क्या कह रहा है? थैंक यू, मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो मुझे एक मौका दोगी? जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आप शायद भूल रहे हो, मवनी आपकी पत्नी है। सब ठीक हो जाएगा, एक मौका प्लीज। इंतजार करूंगा मैं। शेरा की गृहस्थी नहीं है, उस पर गुस्सा मत करो, लेकिन उस पर हमला कर सकता है। मुझे तो ऐसे लगता है अवनी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। बात सारी मीडिया में फैल चुकी है उस साहब, हमें गोदावरी को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। कहाँ है वो? आप जानते हैं ना आप किस परिवार की लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं? आज हम ये बात साबित करके रहेंगे कि हमारी गोदावरी ऐसा काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि देशमुख का खून है वो। गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी कहाँ गई? कहाँ चली? खाना भी नहीं खाया। भगवान, हम साहब हम तो बुरे फंसे। ये क्या है? अगर इस चिट्ठी के बारे में पुलिस वालों को बता दिया कितनी बदनामी होगी देशमुख खानदान की, और आपके नाम की बदनामी कितनी होगी हम साहब। और नहीं दिया तो गोदावरी को कैसे ढूंढेंगे?
कहीं अनजाने में उसने कुछ गलत कर लिया तो? नहीं, नहीं। गोदावरी कहाँ है अब साहब? कहाँ है गोदावरी? भरोसा कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी गोदावरी ऐसा काम नहीं कर सकती। वो अरे वो तो नौकरी पर भी नहीं जा रही थी, बस एक आध दिन गई हो। इंस्पेक्टर साहब ये है, इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। कहाँ थी तुम? हमें कितनी चिंता हो रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब वैसे बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? आपकी बहन के खिलाफ वारंट है हमारे पास। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? गोदाने ने कभी कोई कॉल सेंटर में जॉब की ही नहीं है। हाँ, मैंने कोई कॉल सेंटर में नौकरी नहीं की है। सुना आपने? हो गई तसल्ली? अब जाइए यहाँ से। अरे रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप साहब झूठ कम बोलिए ना। अगर इसने गोदावरी ने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो इसका नाम क्यों पुलिस की लिस्ट में होता? बताइए आप मुझे। आपके बहन के खिलाफ वारंट है हमारे पास, गिरफ्तार करना पड़ेगा। हेलो बेबी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, हाँ तुम्हारी याद बड़ी आती है, मेरी भी याद आती है। अच्छा हाय भैया, ये सामने अच्छी गंदी सब है इधर तो। अच्छा फोन करो, ठीक है? अच्छा मैं रखती हूँ, शर्म आ रही है। ओके बाय। कहना के मन्ने पीसे की बड़ी जरूरत थी और ऐसी गंदी गंदी आवाजें निकालना मैंने अच्छे से आ गया। वो कॉल सेंटर की नौकरी के लिए मैंने गोदावरी जी का नाम इस्तेमाल कर लिया। अब मन्ने के पता के काम गलत हो गया है, गलती हो गई जी। अब गोदावरी जी माफ कर दो, सॉरी। हाँ झूठ कम बोल, समझ गया इंस्पेक्टर साहब। ये कल्याणी और शेरा मिलके ना ड्रामा कर रहे हैं गोदावरी को बचाने का। ये पूरी नौटंकी है, आप समझिए। चाची आपने भी चैन ना है, कुछ भी बोले जा रहे हो हैं। अफनी, हम दोनों तो कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? अफनी, हम दोनों तो कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? कुछ छुपा रहे तो बता दो ना। और इंस्पेक्टर साहब, शेरा से गलती हुई है ये मैं मानती हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि शेरा दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। और इससे पहले कि आप शेरा को गिरफ्तार करें, ये लीजिए शेरा के एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स। वी आर रियली सॉरी। वेरी सॉरी जी। सॉरी गोदावरी मैडम, खामखा आपको परेशान किया। ठीक है, थैंक यू सो मच ताई। खुदा खुदा, लेकिन ऐसे अपनी प्रॉब्लम से मुंह नहीं मोड़ते हैं। बहादुर तो वही होते हैं ना जो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं, वो भी डट कर। और ये क्या हरकत थी गोदा? वो तो बप्पा का लाख लाख शुक्र है कि शेरा के दोस्त ने तुझे तेकड़ी के पास जाते हुए देख लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। दोबारा ऐसा कभी नहीं करना। हाँ
और एक बात और गोदावरी जी, इंसान की जान ना बड़ी कीमती हो है, संभाल के रखना। बड़ा ख्याल रखो गोदावरी जी, कोई दिक्कत ना है।